टाटा नगर शिवरामपल्ली मैलादोरपल्ली में आता है ये काटेगान के नज़दीक। यहाँ पे एक्चुअली मैं हम लोग 10 साल 15 साल 20 साल हो गया आज कमर्शियल मतलब इंडस्ट्रियल करंट लेके थोड़े छोटे छोटे इंडस्ट्री हम चला रहे हैं। तो ये कुछ शरारती तत्व ने शास्त्रीपुरम से एक पिल डाली हुई है 191 पिल का नंबर है, वो नंबर के तहत में ये इंडस्ट्री बंद करना बोल के कोर्ट में। एक्चुअली टाटा नगर और शास्त्रीपुरम में बहुत काफ़ी डिफरेंसेस है, कोई मतलब लिंक नहीं है, आने का नहीं जाने का नहीं किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। हम अगर यहाँ से जहाँ अभी मैं टाटा नगर में खड़ा हूँ वहाँ से अगर शास्त्रीपुरम जाना है तो कम से कम 2 किलोमीटर का फासला तय करके जाना पड़ेगा। और शास्त्रीपुरम में रेसिडेंशियल कॉलोनी है वहाँ, और यहाँ पे जो हम लोग बहुत 100% बहुत सालों से हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री चला रहे हैं, जबकि हमारे पास GHMC द्वारा दी गई है ट्रेड लाइसेंस प्रोवाइड कराई गई है, फायर का कॉमर्शियल टैक्स हमारे से GHMC वाला ले रहा है, और बिजली डिपार्टमेंट वाले ने हमारे से भारी भरकम अमाउंट लेके हमारे को बिजली प्रोवाइड किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट का GHMC की बॉडी का कोई सिंगल डेवलपमेंट नहीं है, ना रोड है ना स्ट्रीट लाइट है ना ड्रेनेज है, किसी प्रकार का जो बेसिक सुविधा होना चाहिए इंसान के रहने के लिए वो भी अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब हमारा गुजारिश यही है गवर्नमेंट से कोर्ट से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को ठीक है अगर आपको अनुचित लगता है तो हमारे को कुछ वक्त दिया जाए, अभी हम लोग को अब रिलोकेट करो दूसरे जगह, कहीं हमारे को बताओ कि हम वहाँ पे जाए सिर्फ चले जाओ, नोटिस दे रहे रातों में आके मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हमारे साथ में, हम मतलब हमारे साथ में बिल्कुल ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि हम लोग कोई मतलब बिजनेस नहीं कर रहे, कोई मतलब गांजा चरस अफीम हीरोइन का कारोबार कर रहे, हम लोग पेट पालने के लिए जीने के लिए काम कर रहे, हम लोग रोजगार भी पैदा कर रहे। यहाँ तक इतना लोग हमारे से रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं वो कोविड से परेशान थे अभी बाढ़ से परेशान हैं, अब इस हालात में भी डेली आके GHMC वाले हमारे को इतना ज़्यादा तंग कर दिया है कि हमारे को बिजनेस करना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। और कुछ भी अगर पूछे तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश इनके पास, कोर्ट को इन्होंने मिसगाइड कर रहे, ये डिपार्टमेंट मिलके कोर्ट को मिसगाइड करते हुए इन लोग कोर्ट में यहाँ पे कुछ वास्तविक स्थिति कुछ है कोर्ट को कुछ बता रहे, ऐसा करके हमारे को परेशान किया जा रहा है। मैं हैदराबाद गवर्नमेंट से GHMC के बड़े अधिकारियों से सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे भी समस्या हमारी समस्या जो है उसको सुने, हमारे को रिलोकेट करो कुछ वक्त दे के हमारे को करो, इन टाइम हम जब से खुद कुछ कुछ ही कर लेना, ऐसा लगता है कि हम लोग कोई बहुत बड़े स्मगलर है कि चलो भाई ठीक है स्मगलर है पकड़ा इसको हथकड़ी लगाओ, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम ट्रेड लाइसेंस लेके कमर्शियल टैक्स भर के हम GST लेके हम सारा जो गवर्नमेंट का प्रक्रिया से गुजरने के बाद हम इंडस्ट्री चला रहे हैं यहाँ पे, कोई हम चोरी से एक भी टैक्स चोरी नहीं कर रहे, कोई भी बिजली चोरी नहीं कर रहे, किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करते हुए गवर्नमेंट के हर कानून को फॉलो करते हुए हम काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ में जो नाइंसाफी कर रही है GHMC डिपार्टमेंट वो हमारे को खुदकुशी करना है, दूसरा कुछ भी हमारे पास चारा ही नहीं बचा है कि हम क्या करना, हमारे पास इतना COVID-19 से इतना परेशान हो गए, इतना हमारा फैक्ट्री में डैमेज हो गया है बंद रहने के कारण कि हम कहीं जाके दूसरे जगह पे इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना हमारे बस में नहीं है, हम क्या करना, हमारे पास कोई दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा जमीन नहीं है, ये जमीन हम 20 साल पहले खरीदे थे, आज यहाँ पे हम बेचने भी जा रहे हैं जमीन तो कोई खरीदने वाला नहीं है, उन्होंने बोलता है ना यहाँ पे घर है ना रेसिडेंसी है, क्या करना हम बहुत परेशान हैं हम लोग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, टाटा नगर से हम लोग 1990 से यहाँ पर है, अभी हम लोग को आके 1 साल पहले 6 महीने पहले कोविड से पहले आके पूरे इंडस्ट्री खाली कर दो, इधर एक नज़र घुमा के देखो आप, किसी को भी ला के दिखाओ, पॉलिटिशियन को लाओ किसी को भी ला के दिखाओ, एक भी घर दिख रहा तो हम लोग अभी खाली कर देते यहाँ पर, एक भी घर दिखा, GHMC वाले को पूछ लो एक घर है यहाँ पर, एक घर दिखाओ पहले उन लोग को आके, ये लोग इतना जुल्म करती है कोविड से हम लोगों के ऊपर, इतना जुल्म हो चुका है हम लोगों के ऊपर, कोई लेना देना नहीं, बात आप पास है बोर्डन लगाए थे लाइटा काटे थे पूरों के, यहाँ पर एक एक कंपनी में 15-15 लोग काम करने वाले गांव से बिहार से आने वाले लोग, हम लोग कोविड में 6 महीने लोग बिठा के खिलाए लोग यहाँ पर, उन लोग जरा ऐसा नहीं है, आ रहे हैं सील करते थे, कैसा सील करते लोग हमारी कंपनी को, क्या प्रूफ है, कोर्ट में भी केस चल रहा है कुछ भी नहीं, GHMC को इतना ऑर्डर मिल रहा है, जहाँ बोले जिसके बोले गली गली में घुस के लाइटा काट देंगे कर देंगे,
साहब पूरा जुल्म कर दिया टाटा नगर में, एक घर दिखाया यहाँ पर, एक जना भी अगर यहाँ ड्रेनेज लाइन है या नल की लाइन है बता दीजिए, रस्ते दिखाइए, आप कैमरा घुमा के रस्ते दिखाइए, रस्ते देखो कोई रस्ते है, हम लोग जानवरों के साथ जी रहे यहाँ पर, जानवर है हम लोग यहाँ पर जी रहे, हम लोग जीएचएमसी वाले करा रहे ना हमारा काम, देखो क्या करा रहे, पूरे हम लोग करा लेते जो चीज हम लोग करा लेते, फिर भी आके हम डेली का टॉर्चर करने का है साहब, हमारे को कोई आर्टिशन जगा दियो, नहीं तो हम लोग पूरे अपने आप पे पेट्रोल डाल के मर जाते, हम लोग ये काम करते बस और कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे लेबर आप पूरे जाने बैठ के मर जाते, 7 महीने से हमारे फैक्ट्रियां बंद है, हम आपको फैक्ट्री चालू हो रही, जीएचएमसी रोज आके खड़ी आती हमारे पीछे, क्या करना साहब, हम लोग कुछ तो आल्टरेशन बताओ हम लोग को, कुछ भी नहीं है, पूरे लोग खड़े हुए, एक घर नहीं है यहाँ पर, ये टाटा नगर एरिया है, यहाँ पे कोई भी रेजिडेंस नहीं है और सभी छोटे कुटीर उद्योग है, कोई आदमी जो है कोई छोटा मोटा पैकिंग कर रहा है, कोई किराना का छोटा गोडाउन है अपना कुछ बेच रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा पोल्यूशन इंडस्ट्री नहीं है, पूरे जो है ग्रीन कैटेगरी के इंडस्ट्रीज है और यहाँ पे कोई पोल्यूटेड का चीज नहीं है, फिर भी जीएचएमसी वाले रोज यहाँ पे आके और नोटिस दे रहे हैं आप बंद करो, ये हुडा अप्रूव्ड कॉलोनी है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं रहना, आज ये बताइए कि आदमी इंसान की जो जरूरत की चीजें हैं, जो चीज जरूरत है वो चीज के लिए भी मना कर रहे हैं, कोई गाड़ी जा रही है कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, ये सभी चीजें हो रही है, ये जो है एरिया में यहाँ पे एक भी घर नहीं है, यहाँ पे एक भी रेजिडेंस नहीं है, टोटली छोटे मोटे उद्योग है अपना कमा रहे जी रहे खा रहे, और ये जो इस एरिया का पीछे जो एक सर्वे नंबर है 134/20 वो सर्वे नंबर शास्त्रीपुरम में भी आ रहा है टाटा नगर में भी आ रहा है, वो सर्वे नंबर का जो भी कानून गवर्नमेंट पास कर रही है ये एरिया को भी लागू कर रहे हैं कि तुम लोग रेजिडेंस है यहाँ पे, तो ये पता लगाया जाए कि यहाँ पे एक भी रेजिडेंस है क्या, एक भी रेजिडेंस नहीं है, और आज 20-25 साल से न तो यहाँ स्ट्रीट लाइट है न यहाँ पे रोड है, आप देख सकते रोड की हालत, एक सिंगल भी स्ट्रीट लाइट नहीं है इतना बड़ा एरिया में म्यूनिसिपल की तरफ से, न एक रोड है यहाँ पे न ड्राइनेज है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, कोई भी करंट किसी फैक्ट्री वाले को लाना है तो अपने पैसों से लेके आ रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट से अधिकारियों से सबसे ये करते हैं कि हमारे साथ सही न्याय हो, और जो छोटे फैक्ट्री जो नॉन पोल्यूटेड छोटे मोटे गोडाउन है हमारा जो बिल है 398 बिल है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये टोटली अलग एरिया है, शास्त्रीपुरम रेजिडेंशियल अलग है टाटा नगर अलग है, हमारे को बिल से कोई लेना देना नहीं है, हमारा एरिया अलग है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री पोल्यूशन वाला नहीं है, कुछ इंडस्ट्री साल भर पहले 6 महीना पहले जो पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी वो यहाँ से हट चुकी है, बाकी जो छोटे अभी इंडस्ट्री जो चल रहे हैं छोटे गोडाउन है यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट प्लाईवुड का जो गोडाउन है या छोटे जो टाइल्स का गोडाउन है उनसे उनको पोल्यूशन हो रहा है, आप सिटी में देख सकते बंजार हिल्स जुबली हिल्स सब जगह प्लाईवुड के गोडाउन है दुकान है कलर की दुकान है वहां से कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, ये एरिया में आप देख सकते हो कि कैसा पोल्यूशन हो, तो आप इस चीज के लिए आके पता करो कि ये एरिया अलग है वो एरिया अलग है, हमारे को एक ही कानून के साथ में मत तोलिए, ये एरिया अलग है वो अलग है, और जो बिल 398 जो बिल है इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक प्लास्टिक पोल्यूशन का बिल था और वो शास्त्रीपुरम का था, टाटा नगर और शास्त्रीपुरम अलग अलग एरिया है, वो बिल से कोई हमारे को लेना देना नहीं है, तो हमारे को जीएचएमसी अधिकारियों से गवर्नमेंट से ये हमारे को दरख्वास्त है हमारा रिक्वेस्ट है कि सही न्याय दे सही चीज देखो क्या चीज क्या है क्या नहीं है, ऐसा कोई भी आया गली में घुस के हर गोडाउन को नोटिस दे दिया बंद करो तुम चले जाना यहाँ से निकल जाओ तुम यहाँ धंधा नहीं कर सकते, सच्चाई जो सच्चाई है उसको देखते हुए कोई भी ऑर्डर पास करना सब चीज करना।